कानपुर के किदवई नगर के नामदेव गुरुद्वारे के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कानपुर के दक्षिण क्षेत्र के साकेत नगर में नव निर्मित पार्टी कार्यालय में पहुंचे, जहां पूजन के बाद पार्टी कार्यालय समेत प्रदेश के 9 जिलों के कार्यालय का ऑनलाइन उद्घाटन किया। आपको बता दें कि यहाँ निराला नगर मैदान में वाटर प्रूफ मंच भी तैयार किया गया था, जहां सम्मेलन में करीब 22,143 बूथ अध्यक्ष भी पहुंचे। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हम सब लोग रोजाना की भागदौड़ में विषयों की विशेषता समझने से चूक जाते हैं, घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते कि उसमें कितना पसीना बहा है। आप उनसे पूछिए, 10 से 20 साल पहले किराए के कमरे से पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे और क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी जहां दुनिया के सामने एक कौतूहल और आश्चर्य का विषय है, वही मैं इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इसलिए भी स्वागत करना चाहूंगा कि जब कोरोना जैसी महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त थी, अपनी स्वयं की जान बचाने के लिए भाग रही थी, तब दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के एक कार्यकर्ता को अपनी जान की परवाह के बगैर मानवता की रक्षा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करके सेवाई संगठन का मंत्र देने के लिए उन्होंने जो प्रेरणा प्रदान की, आज उसका परिणाम है कि हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि कोरोना कालखंड में या तो केंद्र सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सहायता थी, या फिर राजनीतिक दल में केवल एक राजनीतिक दल था जो इस सेवा के कार्य के साथ जुड़ा था उस आपदा काल में, वह भारतीय जनता पार्टी मात्र थी। और भारतीय जनता पार्टी आज जन विश्वास की प्रतीक बनी है, ये उसी का कारण है, उसी का परिणाम है कि हर एक पायदान पर ऊपर चढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी निरंतर एक बड़े लक्ष्य को आगे बढ़ने की दिशा में कार्य कर रही है। और आज एक 8 कार्यालयों का उद्घाटन उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। एक बार फिर से मैं आप सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाइयों बहनों को इन 8 कार्यालयों के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि पार्टी के संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप उन मूल्यों और आदर्शों को अंगीकार करते हुए हम निरंतर राष्ट्र सेवा के इस पथ पर आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय और उसके साथ साथ 8 हमारे जिला कार्यालयों का एक साथ श्री गणेश करने का सौभाग्य मिला। और आप सब लोगों ने यहाँ पर भी और स्क्रीन पर मुझे दिख रहा है, जिस गर्मजोशी से आपने इस अवसर में शिरकत की है और जो हर्ष उल्लास का वातावरण में आप इस कार्यालय के उद्घाटन में आप आए हैं, आप सबका अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। मैं बैठा बैठा देख रहा था कि यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय है, यहाँ कानपुर का दक्षिण का कार्यालय बनेगा, बना है, यहाँ कानपुर ग्रामीण का कार्यालय बना है। हमारे सभी पूर्व अध्यक्ष मंच पर नीचे सामने प्रथम पंक्ति में बैठे हैं, आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत। मित्रों, हम सब लोग दैनंदिन की भागदौड़ में विषयों की विशेषता समझने से कई बार चूक जाते हैं और हमको ध्यान में नहीं आता, घटनाएं घट जाती हैं। उन घटनाओं में कितना पसीना है, कितना खून बहा है, कितनी ताकत लगी है, कितनी जिंदगियां गई हैं, कितने लोगों ने अपने आप को आहूत किया है, तब जाकर के हम आज उसका परिणाम देखने को मिलता है।